नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले जनता टीवी परिवार की ओर से आप सभी को ईद उल फितर की हार्दिक मुबारकबाद है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाद अब नीति आयोग ने भी कोविड प्रबंधन के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के मॉडल की तारीफ करी है। नीति आयोग ने यूपी के मॉडल को अन्य राज्यों के लिए नजीर बताया है। नीति आयोग ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस संबंध में दो महत्वपूर्ण ट्वीट किए हैं। नीति आयोग ने एक ट्वीट में कोरोना मरीजों को पता लगाने और संक्रमण फैलने और रोकने के लिए उन्हें होम आइसोलेट करने के लिए चलाए गए ट्रिपल टी यानी कि ट्रेस टेस्ट और ट्रीट के महाअभियान की सराहना की है। तो दूसरे ट्वीट में यूपी के ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ट्रैकिंग सिस्टम की आयोग ने अपने ट्वीट में कहा कि यूपी सरकार की तरफ से राज्य के 97,000 से ज्यादा गांवों में घर घर जाकर कोरोना संक्रमित का पता लगाने और उन्हें आइसोलेट करने के महाअभियान को अन्य राज्यों को भी दोहराना चाहिए। इस ट्वीट में यह भी बताया गया है कि ट्रेस टेस्ट और ट्रीट का यूपी मॉडल कोरोना को काबू करने में बेहद प्रभावशाली सिद्ध हो रहा है। तो योगी के ट्रिपल टी मॉडल की जो चर्चा है वो लगातार देखने को मिल रही है। इस महाअभियान को अन्य राज्य भी अपनाएं ऐसा नीति आयोग का कहना है। नीति आयोग का वो ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं और नीति आयोग ने इस संदर्भ में बैक टू बैक दो ट्वीट किए हैं। यूपी के मॉडल को अन्य राज्यों के लिए नजीर बताया है। इस महाअभियान को अन्य राज्यों को दोहराना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को भगवान परशुराम जयंती और ईद उल फितर की बधाई दी है। सीएम योगी ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए त्योहार घर में ही मनाने की अपील करी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बधाई संदेश में कहा कि ईद उल फितर का त्योहार खुशी और मेल मिलाप का संदेश लेकर आता है। ईद के पर्व पर सभी को सद्भाव और सामाजिक सौहार्द को और मजबूत करने का संकल्प लेना ही चाहिए। इसके अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने शुभकामनाओं के संदेश में कहा कि ईद उल फितर का पर्व हम सभी को एकता और आपसी भाईचारे का संदेश देता है। इसी तरीके से अक्षय तृतीया शाश्वत सुख सफलता और आनंद की कभी कम ना होने वाली भावना का पर्व है जिसका मानव जीवन में अपना एक विशेष महत्व है। आपको बता दें इस दौरान तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं उन्होंने भी ईद उल फितर की शुभकामनाएं मुबारकबाद तमाम प्रदेशवासियों को दी हैं, जिसमें सबसे पहला नाम अखिलेश यादव का है और इसके साथ ही ईद उल फितर की जो गाइडलाइंस हैं उसमें भी आपको बता दें कि क्या कुछ खास रहने वाला है। 5 लोग ही मस्जिद में नमाज अदा कर सकते हैं, साथ में कहीं पर भीड़ इकट्ठा ना हो, लोग बाजारों में ना निकलें, इस तरीके की गाइडलाइंस जारी की गई हैं। आनंदीबेन ने अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम योगी ने भगवान परशुराम जयंती की भी शुभकामनाएं इस दौरान दी हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शुभकामनाएं दी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में लखनऊ से अनूप जुड़ चुके हैं और साथ में फजल जुड़े हैं बरेली से। फजल, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? ईद उल फितर की नमाज बड़ी सादगी के साथ अदा की गई। मस्जिदों में 5 लोगों ने नमाज अदा की गई और प्रोटोकॉल का पूरा तरीके से ध्यान रखा गया, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन थी कि सिर्फ 5 ही लोग ही नमाज पढ़ेंगे। इसको चलते मुसलमानों ने उसका पालन करते हुए 5 ही लोगों ने नमाज पढ़ी। उसके बाद ईदगाह पर ताला लगा है। ईद की नमाज ईदगाह में सिर्फ 5 ही लोगों ने पढ़ी। उसके बाद जो लोग बच्चे थे उन्होंने अपने घर पर ही नमाज अदा की गई। और आपको पूजा बताना चाहूंगा कि पूरी तरीके से सरकार की गाइडलाइन का पालन किया गया। ठीक है, कोई भी ठीक है। फजल, आपका रुख मैं वापस से करती हूँ, लखनऊ का रुख करते हैं। अनूप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनूप, कैसी तस्वीरें हैं? क्योंकि कोरोना गाइडलाइंस का जिक्र बार बार तमाम जो लोग मुबारकबाद दे रहे हैं वो भी करते नजर आ रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर हालात कैसे हैं ये आप हमें बताएंगे, कैसे हालात है? देखिए पूजा, हम इस वक्त ईदगाह में हैं। ईदगाह का बड़ा मैदान है। यहाँ पर पिछले सामान्य दिनों की बात करें तो यहाँ खचा खच भरा होता था। यहाँ के बाहर जो रोड है वहां पर लोग नमाज अदा करते थे, लेकिन आज आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे पूजा, ये ईदगाह का मैदान है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी
जो मुस्लिम भाई नजर नहीं आ रहा है, जो नमाज अदा की गई है, सिर्फ 5 लोग यहाँ पर नमाज अदा कर रहे थे। जो मौलाना जो फरंगी महली जो है उन्होंने नमाज अदा कराई है खालिद रशीद ने, और जिस तरीके से उन्होंने देश को संदेश दिया है, मुस्लिम भाइयों को संदेश दिया है कि जो ईद है त्योहार है ये अपने घरों में ही मनाएं, जो अपने फोन पर मुबारकबाद दे दें लेकिन घर के बाहर से ना निकलें और कोरोना कायदे कानून का पालन करें, ये बिल्कुल सही बात है पूजा। ये बहुत बड़ा त्योहार मुस्लिम धर्म का है ईद, लेकिन कहीं ना कहीं जो कोरोना काल है, कोरोना की जो महामारी है, इसकी वजह से लोग अपने घरों में मना रहे हैं। लेकिन अगर पिछले दिनों की बात करें पूजा, तो ये ईद का जो त्योहार होता था सभी धर्म मिलके मनाते थे और एक दूसरे के मुबारकबाद देते थे। आज चूंकि कोरोना महामारी की वजह से भले ही अपने घरों में है लेकिन कहीं ना कहीं खुशी का तो माहौल ही है, और लोग जिस तरीके से मौलाना फरंगी महली खालिद रशीद ने जो ये खाली मैदान है अनूप, ये जो खाली मैदान आप ईदगाह का दिखा रहे हैं, ये असल में दुखद नहीं सुखद तस्वीर है, और इस बात का संकेत भी है कि लोग समझ रहे हैं कि सिचुएशंस कितनी ज्यादा क्रिटिकल हैं और एहतियात बरतना होगा इस समय। फजल आपसे जानना चाहेंगे, आप जहां पर खड़े हैं मुझे उसके पीछे भी सन्नाटा नजर आ रहा है, बाजारों की कैसी स्थिति है फजल? बरेली में बाजार सन्नाटे, पूरी तरीके सन्नाटा है, तो लोग अपने घरों में ही है क्योंकि कोरोना के चलते लोगों को जागरूक किया गया, उसके बाद लोगों की खुद समझ में आ गया कि कोरोना से बचने के लिए घर में रहना ही जरूरी है। पूरी तरीके से बरेली की गलियों में और शहर में पूरी तरीके सन्नाटा है, लोगों ने घर ही में नमाज अदा की। एक एक चीज और पूजा बताना चाहूंगा कि बच्चे रोज रोड पे आ जाते थे, सामान खरीदते थे, खाते पीते थे, वो भी बच्चे आजकल घर पर ही नजर आ रहे हैं। आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो तस्वीरें आपने देखी, ईदगाह की तस्वीरें अनूप ने आपको दिखाई हैं, जिसमें आप साफ तौर पर देख पाए कि किस तरीके से मैदान पूरा खाली पड़ा हुआ है और फरंगी महली, वहां पर मौलाना फरंगी महली खुद पहुंचे हुए थे, नमाज अदा उन्होंने की है, उनके साथ में 4 लोगों ने और नमाज अदा की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ये तस्वीरें सुखद हैं, कम से कम लोगों को समझ में आ रहा है कि एहतियात बरतना है और एहतियात बेहद जरूरी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर शुक्रवार यानी कि आज यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। यमुनोत्री मंदिर समिति के उपाध्यक्ष राजस्वरूप उनियाल ने बताया है कि शुक्रवार सुबह 8 बजे यानी कि अब से थोड़ी देर पहले कपाट खुल चुके हैं। मां यमुना की उत्सव मूर्ति को डोली यात्रा के साथ खरसाली से यमुनोत्री धाम के लिए रवाना किया जाएगा। मां यमुना के भाई समेश्वर देवता की डोली भी उन्हें विदा करने के लिए यमुनोत्री तक जाएगी। अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:15 बजे पूजा अर्चना और विधि विधान के साथ में यमुनोत्री मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी को देखते हुए इस बार कपाट उद्घाटन में पुजारी, तीर्थ पुरोहित और पल्लवगीर समेत कुल 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन तमाम लोगों का कोरोना टेस्ट करवाया गया है। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वैश्विक महामारी कोरोना का साया हर तरफ है और संक्रमण तेजी से बढ़ भी रहा है, लेकिन अगर सूबे की बात करें तो सूबे में पिछले कुछ दिनों से आंकड़े में गिरावट दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इसके साथ ही रोज टीम 9 के साथ वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं। स्थलीय निरीक्षण के कारण सरकारी मशीनरी भी मिशन मोड में आ चुकी है और अब प्रदेश में रिकवरी रेट की अगर बात करें तो 86% बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे की जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से बीते 24 घंटे में 17,775 नए संक्रमित केस मिले हैं। इस दौरान 286 ऐसे लोग रहे जिन्होंने कोरोना से जंग वो हार गए हैं यानी कि इनकी मृत्यु हो गई है। प्रदेश में इस दौरान 19,425 लोग कोरोना संक्रमण की गिरफ्त से बाहर भी निकले हैं। अब प्रदेश में कुल एक्टिव केसेस की अगर बात की जाए तो 2,04,658 है। इटावा लॉयन सफारी पार्क में पिछले 6 दिनों से कोरोना संक्रमण के कारण बीमार हुई शेरनी गौरी और जेनिफर की हालत में अब तक कोई सुधार नहीं हुआ है। दोनों ने अभी तक कुछ भी खाना शुरू नहीं किया। कानपुर चिड़ियाघर के डॉक्टर आरके सिंह अपनी टीम के साथ कोरोना गाइडलाइन के तहत इलाज कर रहे हैं। बताया ये भी गया है कि खाने को लेकर कई बार कोशिशें की गई लेकिन विफलता हाथ लगी है। सफारी के निदेशक के सिंह ने बताया है कि दोनों शेरनी की हालत अभी स्थिर है। तो वहीं इटावा सफारी में शेर के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद लॉयन सफारी समेत सूबे के तमाम चिड़ियाघरों में कोविड गाइडलाइन के तहत सतर्कता बढ़ा दी गई है। आपको बता दें इटावा लॉयन सफारी से
आईवीआरआई पहुंचे 14 सैंपलों की जांच में पहले एक शेर कोरोना संक्रमित मिला था। इसके बाद इटावा लॉयन सफारी की शेरनी जेनिफर भी पॉजिटिव निकली थी। सूबे के मौजूदा जो हालात हैं, ऐसे हालात भयावह हैं। उत्तर प्रदेश में जगह जगह नदियों में शव मिल रहे हैं। कानपुर, हमीरपुर और गाजीपुर के बाद अब उन्नाव में भी गंगा नदी में शव मिले। नदियों में बहाए जा रहे शवों के मामले को सीएम योगी ने गंभीरता से लिया है, संज्ञान लिया है इस पर। सीएम ने कहा कि अंत्येष्टि की क्रिया मृतक की धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप सम्मान के साथ होनी चाहिए। साथ में उन्होंने एक निगरानी कमेटी बनाने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गंगा के घाटों की विशेष निगरानी होती रहे। इस संबंध में धर्मगुरुओं से भी संवाद किया जाए। वहीं यूपी के बलिया, गाजीपुर और चंदौली में गंगा से शव मिलने के बाद बनारस में भी गंगा नदी में 7 शव मिले हैं। इन सभी शवों को निकालकर गंगा किनारे ही गड्ढा खोदकर दफन कर दिया गया। गुरुवार दोपहर राजघाट पुल के नीचे पहला शव देखा गया। इसके बाद गंगा किनारे खोज करने पर एक के बाद एक 7 शव मिले हैं। इसमें 5 पुरुषों के हैं, 2 शव महिलाओं के निकले। सभी शवों को गंगा में प्रवाहित किया गया था। भदोही में भी प्रयागराज की तरफ से बहकर 4 शव मिले हैं, हालांकि उन्हें निकाला नहीं जा सका। जिला प्रशासन ने गंगा किनारे टीम बनाते हुए लगातार जो है चक्कर लगवाना स्टार्ट कर दिया है, यानी कि पेट्रोलिंग चल रही है गंगा नदी में। पुलिस और लेखपालों की 2 टीमें गठित की गई हैं। फिलहाल गंगा में अभी शवों के मिलने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और शवों के मिलने की जो संभावना है वो भी लगातार बनी रहती है। ये खौफ का मंजर है। उन्नाव के हाजीपुर स्थित रोहतापुर में ही नहीं, जिले के ज्यादातर शमशान घाटों पर गंगा की रेती में शवों को दफनाने का मामला अब खुलने लगा है। बक्सर घाट का मामला अभी हाल ही में सामने आया था। बक्सर घाट पर शवों को जलाने से ज्यादा जमीन के अंदर दफन कर दिया गया, जिन्हें बाद में कुत्ते नोच कर खाते नजर आए। गांवों तक ले जाने लगे थे शवों के टुकड़ों को और कुछ शव बाहर आने लगे तो प्रशासन की नींद खुली। आनंद फानंद में करीबन 175 शवों को गंगा किनारे फिर से दफना दिया गया है। पहले तो उन्नाव और फतेहपुर में सीमा विवाद चल रहा था, बाद में दोनों जिलों के अफसरों ने पहुंचकर इसे सुलझा लिया है। बक्सर घाट पर गंगा के दोनों किनारों पर कई छत विछत शव मिले हैं। उधर डीएम ने गंगा किनारे शवों को दफन करने पर रोक लगा दी है और फोर्सेस भी तैनात की गई है। आपको बता दें कि उन्नाव के अलावा फतेहपुर और रायबरेली के लोग भी अंतिम संस्कार के लिए बक्सर घाट आते हैं। कोरोना और अन्य बीमारियों से लोगों की लगातार मौतें हो रही हैं। इससे बक्सर घाट पर भी अंतिम संस्कार की तादाद इस कदर बढ़ गई है कि शव जलाने से ज्यादा दफनाए जा रहे हैं। शवों की संख्या में लगातार इजाफा है। तो वहीं लखनऊ के लोहिया संस्थान में एक महिला मरीज की ब्लैक फंगस की बीमारी के चलते मौत हो गई। ये पहली मौत है लखनऊ के अंदर। कोरोना से उबरने के बाद आंख और नाक में सूजन होने पर सोमवार को महिला को लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। इमरजेंसी वार्ड में लाया गया। डॉक्टरों ने लक्षणों के आधार पर ब्लैक फंगस की आशंका जाहिर की, जिसके बाद सिटी स्कैन करने पर फंगस नजर आ गया। तब महिला का उपचार शुरू हुआ, लेकिन महिला की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई, गंभीर होती गई। आपको बता दें कोरोना गंभीर मरीजों या फिर बीमारी से उबर चुके मरीजों में ये समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है। मृतक महिला को शुगर की बीमारी भी बताई जा रही थी, इस वजह से उसे ब्लैक फंगस की शिकायत भी हुई है। लखनऊ में अब तक लोहिया अस्पताल में 7 और केजीएमयू में 5 मरीज मिले हैं। तो वहीं कोरोना कर्फ्यू के बीच लखनऊ, अयोध्या और बरेली समेत कई शहरों में शराब की दुकानें खुल गईं। इस दौरान दुकानदारों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा, ऐसा निर्देश भी दिया गया है। लेकिन क्या वाकई लोगों को ग्राउंड पर इन नियमों से फर्क पड़ रहा है? ये खास रिपोर्ट देखिए। कोरोना महामारी के बीच उत्तर प्रदेश में लगी पाबंदियों की लगाम को एक बार फिर ढीला कर दिया गया है। इसी क्रम में प्रदेश में जारी कोरोना कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में शराब को भी शामिल किया गया है। इसके बाद एक बार फिर ठेकों के बाहर शराब प्रेमियों की लंबी कतार देखी जा रही है। न कोरोना वायरस का डर, न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल, सब एक दूसरे में रुंधे हुए हैं। अब इन महाशय को सुनिए, शराब ठेके खुलते ही इनको मजा आ गई, ऐसी मजा कि अब सारी थकावट दूर होने वाली है।
आज शराब ठेके खुले हैं। अरे मजा आ गई है, मजा आ गई, खुल गए तो मजा आ गई। अच्छा हाँ, थकावट उतर रही है पूरी पूरी। इतना ही नहीं, इनकी खुशी तो इस कदर बड़ी है कि ये पीने के बाद बल्ले बल्ले भी करेंगे। शराब ठेके में शराब ले ली आपने? हाँ ले ली। अब खुशी महसूस हो रही है? अरे बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है, बिना ले पिए पे खुशी महसूस भी नहीं है, अब पी ले पे तो फिर तो बल्ले बल्ले ही है। इनके बल्ले बल्ले तो शुरू हो जाएगी, लेकिन कोरोना के नियमों का क्या? अब इनसे कोविड प्रोटोकॉल के बारे में पूछा गया तो ऐसे बोले जैसे ये कोरोना को जानते तक नहीं। अच्छा, कोरोना काल चल रहा है, डर नहीं लग रहा है? कोरोना काल जगह कोरोना उनको हुआ है, कोरोना सबको हुआ है। सुना आपने? नहीं सुना तो एक बार फिर से सुनिए। कोरोना का है, कोरोना तो एक बहाना है। शायद ये महाशय ठीक ही कह रहे हैं, कोरोना से जिन लोगों की मौत हो रही है वो तो इस बहाने से ही मर रहे हैं, इसमें भला इनकी क्या गलती? शराब पियो और पीने के बाद जूट जाओ बल्ले बल्ले करने में। लेकिन इस बल्ले बल्ले से पहले बता दें कि यूपी में कोरोना ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है। मरीज अस्पतालों में इलाज से पहले ही चौखट पर दम तोड़ रहे हैं, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो किसी को दवाई। आलम तो ये हो गया है कि शवों को जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं है, मृतकों के शवों को ऐसे ही गंगा नदी में फेंक दिया जा रहा है। ऐसे में अगर इन शराब प्रेमियों ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया तो स्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकती है, फिर ना तो शरीर की थकावट दूर होगी और ना होगी बल्ले बल्ले। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट।